आज दीपों से रोशन होगी रामनगरी। उल्लास और भगवान श्री राम की स्तुति और भजनों से रामनगरी इस समय राम में हो उठी है। शाम होते ही राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट और राम कथा पार का पूरा क्षेत्र रोशनी से नहा उठता है। 3 दिन तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। 25 लाख दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है, क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दीयों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीप वगैरह लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हम लोग को यहाँ। मैं लगभग 3 साल से दीपोत्सव में शामिल हूँ और हर बार दीपोत्सव में दीयों की संख्या बढ़ाई जाती है। भगवान ने चाहा तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी है और ये जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल होगी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा पार्क में भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राजाभिषेक भी करेंगे। दिवाली की शाम को सरयू नदी के किनारे 1100 वेदाचार भव्य आरती करेंगे, जो एक और विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास होगा। पूरी अयोध्या में 11 से ज्यादा भव्य द्वार बनाए जा रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने की तैयारी भी की गई है और नगर के कई प्रमुख स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकियों का निर्माण किया गया है। अयोध्या का दीपोत्सव हमारा अभिमान बढ़ाता है। अयोध्या का दीपोत्सव हर वर्ष नया विश्व कीर्तिमान बनाता है और अयोध्या से ही पूरी दुनिया देखती है कि कैसे हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समेटे हुए पूरी दुनिया को तमसो मा ज्योतिर्गमय का संदेश देते हैं, विश्व कल्याण का उपदेश देते हैं। कैमरा पर्सन योगेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज अयोध्या। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में दिवाली की रौनक महीने भर पहले ही